अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। ये थोड़ा रैंडम सा ब्लॉग होने वाला है। मैं आई हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का यहाँ का बेंगलोर का नज़ारा कैसा होता है। तो चले ग्रीन सिटी टोपिया, ये कुछ कॉलोनी टाइप का है और यहाँ है सो मेनी ट्रीज, ग्रीनरी हरियाली। और यहाँ पे छोटा सा इन लोग का मंदिर भी है और थोड़ा रश है क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है ना, स्कूल कॉलेजेस सब है यहाँ पे। I love these types of auto, green auto. So many green types of vegetable. So beautiful flowers. Some coconuts. So many coconut, fresh and healthy coconut water. And ye hai bananas. बनानास और यहाँ पे अंकल आंटी नाश्ता सेल कर रहे हैं। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, इतना बजे ना यहाँ पे टिफिन नाश्ता का सर्विस बहुत आपको ज़्यादा मिलेगा, बहुत हद से ज़्यादा नाश्ता का यहाँ। ये रेस्टोरेंट पे सब लोग जो वर्कर्स है यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आते हैं। यहाँ पे पूरा रश है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जो स्टूडेंट है पीजी में रहते हैं और जो वर्कर्स है वो सब यहाँ के नाश्ता करते हैं। और हम चले अपनी डेस्टिनी की तरफ। यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, चलो अब जेब्रा क्रॉसिंग से हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। चलो अब चलते हैं, बिस्मिल्लाह। अभी हमें जाना है ये डिपार्टमेंट स्टोर पे। यहाँ पे मिलता है, देखिए, वाटरमेलन जस्ट फॉर 18 रुपीज़। आप यहाँ से जो भी वाटरमेलन लोगे वो बस होगा 18 पर केजी। आपको ये डिपार्टमेंट स्टोर पे इतने टाइप्स के वेजिटेबल मिलेंगे, इतने टाइप्स ऑफ वेजिटेबल मिलेंगे, लाइक वाओ टाइप्स। मुझे तो कितने वेजिटेबल्स के नाम भी नहीं पता और कितना वेजिटेबल्स तो मैंने यहाँ आके दिखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस। ये देखो, मुझे तो ये पता भी नहीं क्या है, इसे कैसे खाते हैं। और ये भाई साहब, ये तो बड़ा अनोखा ही चीज़ है ये। And so many fresh apple, green grapes,
ब्लैक ग्रेप्स, ड्रैगन फ्रूट, सो मेनी वाटरमेलन्स एंड देयर आर सो मेनी फ्रेश एंड फ्रेश फ्रूट्स. Ta-da! I love these types of carrot. So long and big carrot. ये नेपाल में तो मिलता ही नहीं है, बस ये ही मिलेगा इंडिया पे. टेरा एक दिन मुझे ना इसका गाजर का हलवा बना के खाना है. बट बोलते हैं ये बहुत टेस्टी होता है. सच में क्या? तो और यहाँ पे सिस्टर ने ठेला लगाया हुआ है वाटरमेलन का. सो नाइस ना. सो दिस इज अ मॉर्निंग रूटीन. यानी यहाँ भी तो अभी तो सुबह सुबह ही हुआ है. आप बैंगलोर तो जगह ही नहीं है. और ये है ना, आप यहाँ पे रश देख सकते हो. लाइक इतना यहाँ पे वर्कर्स, स्टूडेंट लोग है ना जो सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. देखो कितना यहाँ पे आपको सुबह सुबह बस आपको ये ही देखना मिलेगा. लाइक टिफिन सर्विस यहाँ पे. मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा. टिफिन सर्विस और यहाँ पे चाय पीने वाले भैयाज लोग हैं जो चाय पी रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं. और यहाँ का नाम कितना कूल है, वाप्सा बेकरी हट एंड को. और यहाँ पे सब नाश्ते कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं. आपको यहाँ पे सुबह थोड़ा डिफरेंट लुक्स मिलेगा. लाइक नॉर्मल सा सिटी, कोई सा भी नॉर्मल सा सिटी मिलेगा. क्योंकि यहाँ अभी बिजनेस एरिया अभी ओपन ही नहीं है. बस स्कूल कॉलेजेस जो ऑफिस जाते हैं उन लोग ही मिलेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ का इवनिंग रूटीन दिखाऊंगी. और आप ये वीडियोज़ और अगली वीडियोज़ में डिफ्रेंशिएट करना कि हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं. लाइक टोटल डिफरेंट हो जाता है ये एरिया. पूरा के पूरा एरिया डिफरेंट हो जाता है. इंशाल्लाह वो ब्लॉग्स भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ. थोड़ा सा शॉपिंग कर ली, अब घर की तरफ चलते हैं. ठीक है? और आपको ये इलाका में छोटा छोटा टिफिन सेंटर देखने को मिलेगा. जैसा यहाँ अम्मा बनाती है इडली डोसा सांभर. चिकन एक और टिफिन सेंटर. ये साहब भी कुछ बेच रहे हैं. यहाँ अब यहाँ लग गया है सुबह सुबह पानी पूरी का ठेला. And this is so beautiful temple. देखो ये अभी कितना सुनसुन हो रहा है ना. ये जगह कितना साइलेंट है, कितना तो बोलते हैं ना पीसफुल है. अभी देखिएगा ये रात में यहाँ छोटा छोटा स्टॉल लगता है, छोटा छोटा लाइक टिफिन सेंटर, स्नैक्स स्टॉल, स्ट्रीट फूड्स सब मिलेगा. ऑटो ऑटो ऑटो, आई लव दैट ऑटो. और यहाँ कैसे बिना हेलमेट के बिंदास सब लगा चला लेते हैं स्कूटी. ट्री. और यहाँ पे अंकल बेच रहे हैं कोकोनट वाटर. यहाँ आपको कदम कदम में नारियल पानी बहुत देखने को मिलेगा. बहुत सुबह
टिफिन सेंटर, कोकोनट वाटर, बस यही है इधर। और ये है कुछ स्नैक्स प्लेस, यहाँ पे आपको फ्राइड स्नैक्स मिल जाएगा आपको। अब ये है स्कूल और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये सुबह का एक छोटा सा रैंडम सा वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू।